दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हुए सोनीपत और करनाल में कुमारी सैलजा और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। दोनों नेताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के स्वागत का अभिनंदन किया। कुमारी सैलजा को हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है, वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस चुनाव समिति की कमान सौंपी गई है। चंडीगढ़ में दोनों अपना पदभार संभालेंगे। वहीं करनाल में स्वागत के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश में बदलाव की हवा चल रही है। जो लोगों से सुनने को मिल रहा है, हवा बदल रही है और एक हफ्ते तक बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि कांग्रेस की एक तरफा सरकार आएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मनोहर लाल खट्टर की परफॉर्मेंस को लोग तुलना करने लग गए हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनसे बहुत ज्यादा भारी पड़ते हैं, इसलिए लोगों का रुझान दिन प्रतिदिन उनकी तरफ बढ़ रहा है। कांग्रेस आला कमान ने हरियाणा में बदलाव कर एक उम्मीद जगाई है और एक कार्यकर्ता भी अब जोश में है, लेकिन हरियाणा के विधानसभा चुनाव में इसका कितना फायदा होगा ये देखने वाली बात होगी। R9 टीवी के लिए सोनीपत से नितिन आतल और करनाल से करमजीत सिंह विर्क की रिपोर्ट।